मैं संजय कुमार सिंह आज आप हिंदी व्याकरण में सब निर्माण के उत्तर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं उपसर्ग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। उपसर्ग है क्या? जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जैसे अध जोड़ किला, अध किला। हिंदी में मुख्य रूप से चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में हम लोग क्या करते हैं कि चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत का उपसर्ग क्या होता है? जो सब संस्कृत से जुड़े, संस्कृत और हिंदी से दोनों से मिलते जुलते हों, उस तरह के शब्द जो आते हैं उसे हम लोग संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। जैसे पहला होता है उत्सव। उत्सव क्या होता है? ये संस्कृत शब्द है। जैसे कोई शब्द, इस शब्द से क्या बनता है? इस शब्द से बनता है उत्थान ला देते हैं, इसका उन्नति। उत्कर्ष उत्तम आदि। दूसरा होता है इसमें ये उत्सव से बने हुए शब्द होते हैं, जो उत्थान उन्नति उत्कर्ष उत्तम आदि हैं। दूसरा संस्कृत में होता है उप। ये क्या है? विसर्ग है। इसे जैसे उपाध्यक्ष, उपकार, उपवन, उपमंत्री, उपभाषा, उपनाम, उपनगर, आदि सब उप लगाकर बनाए जाते हैं। तीसरा आता है दूर। दूर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे दुर्जन। दूर शब्द से बने शब्दों पर ध्यान। दुर्जन, दुस्साहस, दुष्कर, दुर्भाग, दुर्दशा। आदि जितने शब्द हैं ये दूर शब्द लगा करके हम लोग बनाते हैं। इसमें दूर जो है क्या? दूर प्लस जन, दुर्जन क्या होता है? दूर जो हो गया स्वर्ग हो गया, जन क्या हो गया? जन मतलब लोग होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं उन्हें हम दुर्जन कहते हैं। दुश्मन दुर्जन, तो हमारे जो दूर का मतलब है वो सबसे शब्दों को अर्थ को रटना। कर्म, कर्म एक अच्छा शब्द होता है लेकिन उसको दूर लगाने के बाद दुष्कर्म हो जाता है, यानी बुरा व्यक्ति। इसी तरह हम लोग नी नी सबसे सबसे उपसर्ग बनाते हैं, जैसे निष्काम, निसंदेह, निर्जन, निर्धन, आदि सब नी लगाकर बनाए जाते हैं।
इसके बाद आता है सर अति, अति अति पर उपसर्ग लगा करके कौन कौन से शब्द बनाते हैं, जैसे अत्यंत, अत्यंत, अत्याचार, अत्युत्तम, आदि पांचवा उपसर्ग जो संस्कृत उपसर्ग से आते हैं ये होते हैं अधि, पांचवा वो उपसर्ग को हम लोगों को पढ़ना है अधि। अधि उपसर्ग लगा करके निम्न कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं, जैसे अधिनायक, अध्यक्ष, अधिपति, अधिस्वत आदि सब बनाए जाते हैं। पांच छः, छः में होता है अनु, अनु सब अनुपसर्ग के आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चन दिया जाता है अनुप्र शब्द लगा करके, अनुप्र लगा करके शब्द बनाए, उसी तरह क्या होता है अनु अनुपसर्ग उपसर्ग के कौन कौन से शब्द बनाते हैं, जैसे अनुसरण, अनुराग, अनुशासन, अनुरूप, अनुकूल, आदि सब बनते हैं। इसके बाद आता है अप उपसर्ग, अप उपसर्ग के से कौन कौन से सब बनाते हैं, अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, हीन, अपमान, अपराध, अपयश, अपजस, अपशब्द, अपकीर्ति, आदि सब बनाए जाते हैं। आठ, अपि, अपि का अर्थ होता है, अपि शब्द का अर्थ होता है सामने, ओर, इस शब्द से
हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, अपि प्रत्यय से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, ये देख रहा है हम लोग को। अभियुक्त अभिमान अभियोग अभिशाप आदि सब जो है अभी उपसर्ग से बनाए जाते हैं। औ इसके बाद होता है औ सब जो संस्कृत उपसर्ग के उपसर्ग से बने होते हैं। औ का अर्थ होता है बुरा, हीन, औसान, अवगति, अवगुण, अवतार आदि सब बनते हैं। दस आ उपसर्ग ये भी संस्कृत उपसर्ग के ही अंतर्गत आते हैं। आ शब्द आ का अर्थ होता है तक समेत, इसका अर्थ होता है आ का अर्थ होता है तक और समेत। इसे निम्न के शब्द बनाए जाते हैं जैसे आक्रमण, आजीवन, आजंग, आमरण आदि सब। निर्मल सर चल गए इसके बाद आता है बी उपसर्ग। बी उपसर्ग से कैसे शब्द बनाए जाते हैं। बी का अर्थ होता है विशिष्ट यानी भिन्न। बी शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट यानी भिन्न। की भाषा विशुद्ध विज्ञान विशेष आदि सब बनते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है समान, कुंटा साथ होना, अच्छा। इसे बनाए जाते शब्द हम बनाते हैं सम का संवाद। समान संपूर्ण संशोधन आदि सब बनते हैं। ये
जितने हम लोगों ने बाल उपसर्गों पढ़ा है ये सब संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा में हम लोगों को पढ़ना है ख, हिंदी की उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग मूलतः जो होते हैं उपसर्ग जो होते हैं मूलतः संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित होते हैं। ये हिंदी जो ये जो 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 शब्द जो उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से विकसित होते हैं उन्हें हिंदी उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो मूलतः संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित होते हैं उन्हें हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे अर्ध, पहला होता है अर्ध, अर्ध का अर्थ होता है आधा। इससे अध अध पक्का अध जला अध कचरा आदि सब बनते हैं। दूसरा होता है अपर उपसर्ग भर। भर का अर्थ होता है पूरा। भर शब्द का अर्थ होता है पूरा। जैसे भर पेट, इसका एग्जाम्पल हो गया भर पेट, भर शब्द भरपूर आदि सब बनते हैं। फिर तीन होता है तीसरा चौ। चौ का अर्थ होता है चार। जैसे इसे बनते हैं सब चौराहा, चौपाल चौपाई आदि सब आदि। तो बिठा दे सर। एक मिनट आओ सर। चार होता है अ या अन सर, इसका अर्थ होता है अभाव यानी से अभाव या से। जैसे अंकर अनकर अनपढ़ अनहोनी आदि
सब हो गया। 20 मिनट हो गया। अगले वीडियो में हाँ, आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट आने पर अगले वीडियो में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।